हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्नर ऑफ माय लाइफ, जहां मैं शेयर करती हूं आपके साथ इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस फूड रेसिपी कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। लेके आई हूं आज ग्रेवी फ्राइड मोमोज की रेसिपी। अगर ग्रेवी की बात की जाए तो अधिकतर ग्रेवी में हम क्रीम का यूज़ करते हैं, अमूल की हो या और किसी ब्रांड की हो, लेकिन हम जो आज यहाँ बनाएंगे वो मैं बनाऊंगी व्हाइट सॉस पास्ता में, जो हम सॉस ही बनाते हैं जो कि मैदा की होती है अधिकतर। तो आज हम उसी तरह से इसके ग्रेवी को हम आज बनाएंगे एक अलग ही नए तरीके से। शायद आप लोग शायद ही कभी ऐसा खाए होंगे, लेकिन मानिए ये इतनी डिलीशियस बनी थी कि मैं इसे दोबारा, या आप इसे अगर एक बार बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा इसको बार बार बना के खाने का मन करेगा। और आप ये देख लीजिए कितनी सॉसी और कितनी सॉफ्ट ये बन के निकली है। और मेन सबसे ज़्यादा है कि आपको मोमोज को यहाँ स्टीम नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मोमोज बनाएं और इसे आप फ्राइड कर ले और फिर वो ग्रेवी जो मैं बताने जा रही हूँ। चलिए फिर देर किस बात की, चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी फ्राइड ग्रेवी मोमोज के लिए। और बहुत ही कम चीज़ें हैं, आप इसमें से ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए लगेगा थोड़ी सी बटर, और फिर लेंगे हम गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक बारीक कटा हुआ एकदम। और फिर हम डालेंगे, यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मैदा। 2 टेबल स्पून, आप चाहे जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, आप 1 टेबल स्पून भी काफ़ी होता है अगर आप थोड़ी सी आपको बनानी है तो। और फिर यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके, जब हमारी मैदा भुन जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दूध मिलाएंगे, और धीरे धीरे दूध मिलाना है। और आप ये ऐसी वाली विस्क अगर आपके पास है तो आप इससे मिलाएं, नहीं तो चम्मच से भी अच्छे से ये मिल जाता है, मिक्स कर ले। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, थोड़ा थोड़ा करके डालें, आप देखिए कि आपको ज़रूरत कितनी पड़ रही है दूध। व्हाइट सॉस पास्ता में जो मेन इम्पॉर्टेंट है ये इसे चलाना, आप इसे जितनी अच्छी से इसको विस्क करेंगे ये उतना स्मूथ बनेगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स, फिर ब्लैक पेपर पाउडर और साल्ट, नमक स्वाद अनुसार डालें आप अपने हिसाब से, और इसे मैं यहाँ अच्छे से मिला लूँगी। और हमारा यहाँ पे व्हाइट सॉस जो है वो रेडी हो चुका है, मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखी हूँ, आप अगर चाहें तो आप इसमें इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, हल्का सा मिल्क और ऐड कर लें। सबसे पहले हम अपने मोमोज़ फ्राई कर लेंगे, और मोमोज़ की मैं जो रेसिपी की जो वीडियो है मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और बस ये इसको मोमोज़ को अच्छे से बाइंड करके और बस तेल में आपको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो जो भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी हो तो घी भी यूज कर सकते हैं। और मैं थोड़े थोड़े करके सारे मोमोज़ के पीसेस को यहाँ फ्राई कर लूँगी। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि आपको इसको स्टीम नहीं करना है, स्टीम में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, और इसको डायरेक्ट आप इसे बना के आप डायरेक्ट फ्राई कर ले। और जितनी सारी मेरी पीसेस थी मैंने सबको यहाँ पर फ्राई कर लिया थोड़े थोड़े करके 2 स्लॉट में, और हमारी ये फ्राइड मोमोज़ तैयार है। अब मैं इसे ग्रेवी में डालूंगी। अब हम जो ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी के लिए हमें थोड़ी सी, मैं यहाँ पे बटर ली हूँ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, आपका अदरक हो तो अदरक भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज थोड़ा सा, और फिर मैं यहाँ पे डालूंगी सेजवान सॉस, ये मैं 2 टेबल स्पून के करीब सेजवान सॉस डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए आपको चलाना है, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। फिर यहाँ मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, फिर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, नमक तो हमेशा स्वाद अनुसार ही डालना है, आप अपने हिसाब से देख लें। और फिर मैं जो यहाँ बनाई थी वो जो वाइट सॉस, इसको आप सारा उसमें आप ऐड कर दें। अब इसे ऐड करने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से इसको मिला देंगे, और इसे मिक्स करने के लिए हल्का सा मैं यहाँ पे पानी यूज कर रही हूँ कि थोड़ी सी सारे मसाले जो हैं इसमें घुल जाएं, बढ़िया से मिल जाएं। और बस कुछ नहीं करना आपको, बस सारे मोमोज के पीसेस इसमें डालने हैं, अच्छे से मिक्स करना है, घुमाना है अपने हाथों को, बस हल्के हाथों से इसे मिलाना है। और ये रहा हमारा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्राइड ग्रेवी मोमोज बनके तैयार है। मैंने कहा ना कि सबसे आसान तरीके से मैं बनाऊंगी और कुछ ट्विस्ट के साथ। शायद आप लोगों को ऐसा वाइट सॉस ग्रेवी के साथ कभी खाया नहीं होगा, ये ट्राई करें, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना है आप लोग का।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस रेसिपी के लिए मेरे चैनल कॉर्नर ऑफ माई लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।